There is a training program on that. ये केंद्र है जिसके माध्यम से हमारा भारतवर्ष के नहीं बल्कि विभिन्न देशों में, जैसे आज 13 देश के लोग यहाँ पर आए हैं और 13 देश के प्रतिनिधि निश्चित रूप से आपसे कुछ ना कुछ 3 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम में यहाँ से ग्रहण करके जाएंगे। भारत तो नेतृत्व करता रहा है औषधि क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में और परंपरागत खेती के क्षेत्र में भी, हालांकि आजकल जैविक खेती का उपयोग बहुत ज़्यादा बढ़ा है। मृदा परीक्षण करके हम लोग पहले से पता लगा लेते हैं कौन सी फसल को अच्छा यहाँ पर उगाना है। इन तमाम चीज़ों को उपयोग हम लोगों ने किया, नीम कोटेड यूरिया का प्रयोग होगा तो किसानों के लिए तो लाभदायक होगा, इंडस्ट्री में हम नहीं लगा सकते। यानी इस प्रकार की चीज़ों को हमने एक नया स्वरूप देने का काम किया है जिसने एक नई प्रतिस्पर्धा को पूरे विश्व में जन्म दिया है। मैं समझता हूँ कि आज की ये जो सेमिनार है ये अनादिकाल से चले आ रहे हैं औषधि पौधों का न केवल खोज तो हो ही चुकी है, उनकी उपयोगिता का वर्णन यहाँ पर होगा, नई नई औषधियों का हम किस प्रकार से उनको ला सकते हैं।